पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। आज हम श्री श्री मास्टर देशराज जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जय हिंद। ये वृक्षों की बाड़ करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इससे कांटेदार झाड़ियाँ काट काट कर वृक्षों को लगा देता हूँ, ताकि वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचे। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? बड़ा लंबा है ये, तो स्पेशल बनवाया हुआ है आपने। थोड़ा दिखाइए कैसे इस्तेमाल करते हो आप इसको। ये ऐसे काट कर लगाता हूँ जी, ऐसे काट काट कर झाड़ी काट काट कर, और जो है वो काट की झाड़ियाँ जो है वृक्षों के बाहर को लगा देता हूँ, ताकि वृक्षों को पशु नुकसान नहीं पहुँचाएं। ये क्या है? ये खुरपा, इसको जो है खोदी करके वृक्षों का घास निकालना। छोटे जब वृक्ष लगाता हूँ, जब भी ये इस्तेमाल होता है, खड़ा खोदने के काम आता है ये। और क्या औजार है जो आप इस्तेमाल करते हो पेड़ लगाने के लिए? पेड़ लगाने के लिए कसी, खुरपा और ये गंडा सा, ये कसी है, ये कसी भी इस खड़ा खोदने के काम आती है। मास्टर जी, ये नीम आपने कब लगाया, इसका क्या फायदा है? जो परला नीम है वो न्यू बोले भाई बूढ़ा हो चुका, नया नीम लगा दो। तो इसलिए गांव वालों की मेहरबानी हुई, उन्होंने कह दिया कि परस में नीम लगा दे भाई। तो मैंने नीम ले कर लगा दिया, और इसकी छाया नीचे बैठकर, धूप में जब धूप होती है, जब इसकी छाया में बैठते हैं, ताश खेलते हैं, और इसके पर पक्षी भी बैठते हैं, और आदमी छाया के नीचे बैठकर बड़े खुश होते हैं। बड़ी गहरी छाया है इसकी। कितने साल का हो गया ये? 20 साल का हो गया जी, नीम 20 साल हो गए। वो परला नीम जो है वो कह रहे थे वो बूढ़ा हो गया, नया नीम लगा दे, इसलिए नया नीम लगा दिया। जुनून ये है जी, इसके मन में हरकत बिल्कुल नहीं है शरीर में। और ये सुबह डेली 4 बजे उठ के, सर्दियों में हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, 4 बजे उठ के आता है जी पानी देने के लिए। मास्टर जी ने गांव में मौज कर दी जी। पहले तो सुए लगाए, डॉक्टरी का काम करया, और बच्चे पढ़ाए छकाई के, इसके अफसर लाग रहे इनकी इनके पढ़ाए उड़े। अरे पेड़ा में मौज कर दी गांव में, शुक्र द पेड़ ही निकल, देश राज का हो रही है शुक्र द। इन्हें घाटे को नहीं कर लिया अपनी जान में इस गांव के लिए, तो जीवन सफल है। हाँ जीवन सफल है जी, ये तो 100 अखाड़े बना लिया इन्हें, तो सेवा की है खूब। हाँ। सेवा करिए जी, ये पेड़ा की रक्षा करे जी। पहले मनसा ही रक्षा कराया कर दे, पहले उससे पहले बच्चे पढ़ा कर दे, इन्हें तो कमी कौन छोटी अपने जीवन में। मास्टर जी तो भाई ऐसे रूखा के उसमें इस तरह चल रहे हैं कि दिन और रात बराबर रहे इनके लिए, किसी टाइम भी उठ के जा सकते हैं। एक दिन तो रात को 12:30 बजे उठ के चल पड़े यहाँ से, वो रास्ते में मैंने हेर लिया, माँ जी 12:30 हुए, बोला नहीं 5 बज गए। मैं मास्टर जी 5 नहीं बजे, नहीं मेरे घड़ी में 5 बज गए। माँ जी आपकी घड़ी गलत होगी,
12:30 हुए अब तो। फिर मास्टर जी को पकड़ के घर ले आए, चांदना में घड़ी दिखाई 12:30 थे वास्तव में। अपनी खुरपा और दात ये बाल्टी लेके पूरे दिन रुखा ही सेवा में जुटे रहे। कितने पेड़ पौधे लगाए होंगे, कौन कौन सी नस्ल के हैं वे? कम से कम 4,000 के करीब इस गांव में पौधे लगा दिए होंगे। पीपल सबसे ज्यादा, पीपल और नीम सबसे ज्यादा है जी, इनमें बड़ भी हैं। देखो जी, ये मास्टर जी की मेहरबानी है, ये भैंस गऊ जो बन रही है ना सारी इनकी माया है, नहीं तो ये अड़ गाम गाम होया करता। ये पेड़ों के नीचे छाए में बैठे बांधा सा हम ही फ्री में खुबा सारी मास्टर जी आएगी है। इस उम्र में आपको नहीं लगता कि इनको आराम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए? ये बोल गए जी भगवान का नाम, इन पेड़ ने बुला दिया सारा सौदा। ये तो इनने पर रात 10 बजे भी बेरा नहीं, 11 बजे बेरा नहीं, 1 बजे बेरा नहीं, जी करे जी बचाल पड़े। इन्हें तो पेड़ दिखे रात दिन, इन्हें तो भगवान भी और खाना भी दाना भी यो है इनका तो सारा सौदा। मास्टर जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है कि शायद ही कोई आदमी कर सकता है इतनी बड़ी उम्र में। और ये आपको तालाब भी दिखाई दे रहा होगा, हमारा लड़ाड़ा बोलते हैं इसको हम देसी भाषा में। ये छोटा हा होता था पहले, लेकिन उन्हें चारों तरफ वृक्ष लगा के ये तालाब भी बहुत बड़ा हो गया अब हमारा। बड़ और पीपल के पेड़, नीम के पेड़, मतलब हर तरह के पेड़ लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ जो कि ऑक्सीजन भी छोड़ दें, हमारे लिए फायदेमंद भी है सांस लेने के लिए। और आजकल तो हवा का वैसे ही ये चल रहा है गर्मा गर्म माहौल की, जैसे NCR है दिल्ली साइड में है हवा की, वैसे ही दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की। और गांव में जो भी बच्चा बीड़ी पीते हुए दिखाई देता है इनको, ये उनको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं कि बीड़ी छोड़ो और एक पीपल का पेड़ लगाओ, मतलब बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। और हमारे गुरु जी भी रहे हैं 5वीं तक के, और इतनी बड़ी उम्र में 81 साल के लगभग इनकी उम्र है, 24 घंटे बस इनका मकसद ये है कि गांव के माहौल को मैं हरा भरा बनाऊं चारों तरफ से। पूरी जी समलात भूमि है, चारों तरफ लगा रखे हैं हमारे 3-4 तालाब हैं, कोई उस साइड है, कोई साइड है, कोई साइड है, चारों तरफ हैं। सभी तालाबों पे शमशान घाट है, स्कूल है, कहीं बूस्टर बना हुआ पानी का, हर जगह, मतलब इनको जहाँ भी जगह मिलती है ना कि यहाँ पेड़ लगाना चाहिए वहीं पेड़ लगाते हैं। अभी जी 4-5 दिन पहले सांग हो रहा था हमारे गाँव में, तो रात को 12:30-12 बजे चले वहाँ से उठ के कथा को सुन के, कि देखा मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं हम रात को, तो देखा कि वहाँ बेलचा कस्सी बाल्टी अपनी लेके पौधों में पानी डाल रहे। मतलब इस टाइम और इस उम्र में सबसे बड़ी बात तो ये, सर्दी का मौसम और 81 साल की उम्र में जितना जुनून इनके अंदर है शायद ही इस उम्र में कहीं भी किसी आदमी में नहीं होगा। बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखे हैं उन पौधों के लिए, तो बहुत बड़ा बीड़ा। आपकी दृष्टि से कितने पेड़ पौधे लगाए होंगे? कम से कम जी 1,000-2,000 पौधे तो हमारे गांव में लगा लिए, और इन्होंने बाहर भी बहुत 4-5 हज़ार पौधे लगा लिए गांव में, और बाहर भी बहुत पौधे लगाए हैं। नाना के अलावा और कहां कहां लगाए हैं? और जी भवानी खेड़ा में हैं, इनके लड़के हैं फरीदाबाद में, वहां भी हैं, मतलब हर जगह जी जहां इनको जगह मिलती है ना वहीं लगाते हैं पौधे। तो तकरीबन 30-35 साल से जानते हैं जी, पहले तो यहाँ गांव मनाड़ा में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे मतलब शिक्षा दी इन बच्चों को, आज ऊंचे ऊंचे पदों पर लगे हुए हैं, और साथ में अब डॉक्टरी भी करते हैं। गांव में कोई भी मरीज जो है, कोई चला जाता रात को चला जाए चाहे दिन में चला जाए, और कोई हमारे गांव में ऐसा डॉक्टर नहीं है, ये रात को भी उठ जाते हैं। मेरे साथ भी एक घटना घटी पिछले साल की बात है, सर्दियों की दिसंबर के महीने में तकलीफ हो गई जी छाती में, तो मैं चला गया इनके पास, तो घर जाके देखा तो मास्टर नहीं थी वहाँ। माँ जी मास्टर जी बोले वो तो जी वो पौधों को संभालने गए हैं। माँ जी फिर क्या करें, मैं तो बैठता हूँ इन्हें, बोले बैठ जाओ आधा घंटा तो जरूर लगाएंगे। मैं बैठा रहा जी, बाद में आए फिर मेरे को इंजेक्शन दिया इन्होंने, कस्सी ले रहे बाल्टी उल्टी सब वहीं फिर रखी। बड़े मेहनती आदमी है, खाद मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं 75 साल का हो गया हूँ। तो आपसे और इनकी फिजिकल बॉडी में तो बहुत अंतर है जी। हाँ तो बहुत अंतर मतलब है, लेकिन ये मतलब मेहनती ज़्यादा हैं, हमारे अंदर इतनी मेहनती की नहीं है, ये इतनी उम्र होते हुए भी मतलब ये मेहनती आदमी हैं। 85 साल में वो तो लग रहे जैसे 50-55 के हैं। हाँ सही बात है, और आप 75 के लग रहे हो, 95 के। मानने वाली बात है। अब जितने भी ये पौधे लगाए हैं इनके हाथों से लगे हुए हैं ये, मतलब 3-4 जोड़ हैं हमारे, इधर भी हैं उधर भी हैं कई हैं, बुवानी खेत मरने के बच्चे हैं वहाँ, वहाँ भी इन्होंने बहुत दरख्त लगाए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। हमारा शमशान घाट है वहाँ पर कोई एक दरख्त भी नहीं था,
और अब वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है, इतनी दरख्त मतलब इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लगाए, ऐसे नहीं इनकी देखभाल है, देखभाल इनको बाढ़ करेंगे, पानी डालेंगे, उनकी खोदी करेंगे और दूसरों को भी मतलब शिक्षा देंगे भाई देखो पौधे लगाओ। अगर गांव में एक आदमी एक पौधा लगाएगा तो देखो कितने 2000 पौधे तो गाँव में लग जाएंगे। और जो बीड़ी सिगरेट पीते हो ये भी पर्यावरण को जो है ये बढ़ाता है, ये भी छोड़ निर्भर नहीं करे, ये ऐसी शिक्षा देते हैं बच्चों तो उसका कुछ असर होता है गांव में? गांव में खूब असर होता है, जिनकी मानता है ऐसी बात जहां से भी चले जाएंगे मास्टर जी आगे जी मास्टर जी जो बात कहेंगे वो बिल्कुल ठीक कहेंगे और उस पर गौर करते हैं गाँव वाले, ऐसी बात नहीं। आपको इस गांव में आप पैदा हुए या इतने पेड़ हैं हरा भरा माहौल है तो कैसा महसूस होता है? इस महसूस ये होता है जैसे हम तो कहीं बाग में घूम रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। पहले तो कहीं दरख्त मतलब छोटे छोटे थे हम, इतनी गर्मी पड़ती थी कोई दरख्त नहीं दिखता था बाहर, मतलब कहीं छाया में मतलब खड़े होते थे और अब निकलने को नहीं जगह, इतने दरख्त इन्होंने लगाए हैं। सामने आप देख रहे हैं बेलपत्र का पेड़ है, विलो पत्र जिसको बोलते हैं संस्कृत में, ये मास्टर जी के दिशा निर्देशन में बच्चों ने लगाया और ये शंकर भगवान का बड़ा प्रिय है क्योंकि जैसे माना जाता है शंकर भगवान तीन प्रकार के तापों को हरने वाले हैं, इसके पत्ते भी तीन आप सामने देख रहे हैं, तीन पत्ते का ये होता है, तो ये तीन जो पत्तियाँ हैं ये तीन प्रकार के तापों को हरने के लिए होती हैं और ये वास्तव में गर्मी को सर्दी को सब प्रकार के पित्त वात कफ तीनों को हरने वाला ये पौधा होता है और इसको बड़े चाव से लोग पूजते भी हैं, तो शंकर भगवान की उपासना में इसको प्रयोग करते हैं। बड़ी ही बढ़िया जगह है, मास्टर जी ने जब शुरुआत करी थी तो यहाँ कुछ नहीं था, मात्र खेती होती थी और अब आप देख रहे हैं कितनी हरियाली यहाँ है, ऐसा लगता है जैसे कहीं हरिद्वार में आ गए हों। ये सब मास्टर जी का एक बहुत बढ़िया काम इस आपको दिखाई दे रहा है और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के पर्यावरण प्रेमी पर्यावरणविद इस गाँव में बार बार पैदा हों और ये गांव, ये पूरा हमारा देश बिल्कुल हरा भरा रहे और यहाँ की वायु शुद्ध रहे। मैं पिताजी के पास बचपन से ही, क्योंकि पाँचवीं क्लास तक उनके साथ पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया मेरे को एज ए क्लास टीचर ही पढ़ाया, तो पिताजी क्या शुरू से मेरे को सामाजिक जीवन लगा क्योंकि जो बच्चे ऐसे होते थे ना थोड़ा पढ़ाई में ठीक चल रहे थे लेकिन उनके पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, गरीब थे, उनको कहते थे मैं फीस दूंगा तुम इस बच्चे को पढ़ाओ, तो शुरू से ही सामाजिक जीवन हमारे पिताजी का रहा है। कई बार क्या होते थे कोई ऐसा आता था आदमी कि पिताजी साथ साथ डॉक्टरी करते थे तो ऐसा आदमी आ जाता जिसकी कई दिन से उधार बाकी थी, माता जी कहती इसको पहले उधार है ठीक है तो आप इसको फिर दवाई दे रहे हो, इसको कहते पहले मेरी सेवा है इनकी, पैसा आएगा ना आए लेकिन ये है ना मर रहा है इसको जीवाना मेरा फर्ज है, तो सेवा का भाव शुरू से रहा। मैं भी 10वीं के बाद डिप्लोमा करने के लिए अम्बाला गया, वहाँ संघ से संपर्क आया और मैं संघ का प्रचार करने निकल गया, तो माताजी तो खूब रोती थी लेकिन पिताजी जब भी मिलते थे कहता है बेटा जितनी सेवा हो उसके करो, तुम 6 भाई हो तो इन्हें को सेवा का मौका मिला है तो सेवा कर, ठीक है तेरा मन करता तो तेरा मन जब तक करे तो सेवा कर, इसलिए उनसे प्रेरणा लेके है ना मैंने 12 साल तक संघ कार्य में दिए। उसके बाद वापसी आने के बाद शादी होने के बाद मैं मंडाना गांव में रहा, मैं पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर रहा पिताजी के साथ। पिताजी की तो पहले से रुचि पेड़ पौधों में थी लेकिन अब मेरे को साथ ले जाने लगे, सुबह उठते ही क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम होता था 9-10 बजे शुरू, मुझे साथ साथ ले जाते, पेड़ों में पानी डालना ये साथ साथ में करता था, जहाँ से जोर से पानी डालना एक दो बाल्टियाँ मैं लेता आगे से वो डालते, लेकिन उनकी कैपेसिटी मेरे से बहुत ज़्यादा थी। जब खड्डे खोदने की बारी आती थी तो खड्डे मेरे से एक खुदता वो दो खोद लेते थे। अच्छा पेड़ लगाने के बाद मैंने देखा कि पेड़ लगा के वो छोड़ते नहीं थे, कहते थे अब ये ईंटें इकट्ठी करो, गारार बनाते खुद और उनके चारों तरफ गमला बनाते। पेड़ लगा के आज तक हमने देखा था लोग छोड़ो पेड़ लगाया छोड़ दिया ना, उसकी गमला बनाना, फिर भी पशु खा जाते थे तो फिर साइड में उनको ढकना ताकि भाई ताकि उनका मुंह ना लगे, उनकी सुरक्षा, उनको पानी देना तो डेली जाना ही जाना था लेकिन उनकी सुरक्षा करना, उनकी जब वो आ जाती थी सर्दी आ जाती थी तो और ढकना उनको। शुरू शुरू में 50-50 रुपये का एक नीम का पेड़, बड़ का पेड़ और पीपल का, ये तीन पेड़ लगाते थे, 50 रुपये का आता था एक पेड़, बड़ा वाला कट्टे वाला पेड़ कहते थे, मैं साथ जाता एक 3-व्हीलर लेके हम है ना इकट्ठे 10-10 पेड़ लेके आते फिर उनको लगाते हम,
कुछ पौधे जो बन जाते थे पौधे हम पिताजी ने ऊपर खुद पौध लगा लेते, जैसे कहीं से मिलता उसको लगा लेते, पौध बनाते उसके ताकि बड़ा हो जाता। अब कुछ दिन जैसे लगातार पेड़ लगा रहे थे तो पिताजी का स्वास्थ्य कुछ है ना एकदम वो भी होता जा रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे कहते हैं भाई सुरेश, रात तो भगवान ने बुला लिया था मेरे को, तो मेरे को तो ऐसा लगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने है ना कहा भगवान मेरे, मैंने तो पेड़ अभी छोटे छोटे हैं, मैंने थोड़ा इनका उनको है ना बड़ा करना है, इनको सेवा करनी है, तो मेरे को थोड़ा और मौका दो। तो देख लो उसके बाद वो घटना घटे, कम से कम 8 साल हो गए हैं है ना, वो घटना मेरे सामने घटी थी, सो बताया उन्होंने भी ऐसा हो गया था बिल्कुल, मैं तो लगा था भी चला जाऊँगा, लेकिन भगवान ने इनको और ज़्यादा उम्र दी है, इसलिए अब जब भी कहीं इनको ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं कहते हैं यार रुक जाओ आपकी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे कमर में दर्द हो गया डॉक्टर ने भी कह दिया, लेकिन रात को तो रुक जाएंगे जैसे तैसे करके, सुबह उठेंगे कहते मैंने तो जाके किसी की शादी में जाएंगे तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है और कोई तो कोई काम पड़ा रहे करा नहीं और तुम बाद में आ जाना, मैंने तो जाके अपना है ना पोते की शादी में गए हैं, सुबह जो सबसे पहली बस चल रही थी उसमें आगे कहते जाके मैंने तो अपने पेड़ पौधे संभालने, तुम आते रहना बाद में, ये सब को छोड़ छाड़ के हमारे को, और कहते मैं जा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए हैं पानी के। और केवल ये नहीं है, एक बार क्या हुआ बिल्कुल गर्मी का मौसम आ गया और पानी तालाब में था नहीं, रेडी वाले को रेडी क्या भी रेडी लेके आओ है ना, जब वो 100 रुपये की डालता था एक पूरा ड्रम लगाकर, वो रेडी मैंने मंगाई, पिताजी ने मंगाई, उसको 100 रुपये दिए, तब मैंने पिताजी ने मिलके घर में पानी होना हो लेकिन पेड़ों में पानी देने के लिए रेडी वाले को कहा, कभी घर के लिए पानी रेडी नहीं लाए लेकिन पेड़ों में पानी देना है इसलिए रेडी वाले को कह के और पानी डलवाया। और लड़ाई करते थे जो ऐसे लोग थे ना जिनसे जो पौधे के ऊपर की बाड़ काट लेते थे, बाड़ लगाते थे, उनसे जाके कहते अनाज पंचायत करूँगा मैं, तो पंचायत वालों को बुलाओ, उनको बुलाते कुछ लोग जिन्होंने बाड़ काट ली थी, फिर वो माफ़ी मांगते चलो जी मास्टर जी आगे नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मैंने 8 साल में उनके साथ रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की सर्विस के दोनों, ठीक है बचपन में अलग बात है अब इन दोनों की बात है। तो सुबह 3-4 घंटे सुबह शाम को 3-4 घंटे पौधे ही इनका जीवन है। अभी जाम खड़े हैं बुआणीखेड़ा, ये बुआणीखेड़ा यहाँ जो पौधे लगाए पिताजी ने, जब भी यहाँ आए रात को रुकने के बाद सुबह उठते कहते चलो है ना पौधे लगाने हैं, तो जगह पहले छान लेते, कस्सी सारे मंगा के रख लेते है ना, 5 पौधे रात को मंगा के रखते। यहाँ पहली बार जब आई शमशान भूमि में कोई पौधे कम थे, हमारी बड़ी भाभी जी का देहांत हो गया था जब उन्होंने देखा तो यहाँ तो पौधे बहुत कम हैं और जगह काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर है ना फिर हर हफ्ते आने लगे और यहाँ पौधे लगाने शुरू किए। यहाँ जब लगा भी यहाँ पौधे काफ़ी हो गए, तो साथ वाले मैदान में ये बस स्टैंड है यहाँ शुरुआत की, यहाँ जितनी जगह मिली वहाँ पौधे लगाए, फिर हुड्डा का पार्क उसके साथ क्या नाम है आगे थाने में, वहाँ तो लोगों ने थाने में तो मदद कराई थी सारी। तो यहाँ बुआणीखेड़ा में जब भी आते हैं पहले उतरते ही डॉक्टर साहब घर से पहले पौधे संभाल कर जाएंगे, फिर क्या नाम अपने घर जाएंगे, चाहे तो जो पीना है पहले पौधे देखना, उनकी फ़ोन से ये पूछना पौधे में पानी डलवाए कि नहीं डलवाए, ये चिंता करना। हमने मिलके यहाँ एक प्लान बनाया कि भी जो गाय आने वाले टाइम में गायों को और इन पशुओं को छाया में बैठने के लिए प्रबंध किया जाए तो यहाँ पौधा रोपण किया जाए। तब इसके खर्च का वहन तो मैंने किया था, मेरे फादर ने इनका यहाँ पकाया था, उनके गाइडेंस से यहाँ पौधे लगाए गए, जो एक इतिहास की बात है। इतिहास की बात है कि भी जब गायें यहाँ आने वाले टाइम में बैठेंगी इन पीपल की बड़ की छाया के अंदर बैठेंगी तो, और यहाँ पे जो पक्षी बैठेंगे उनसे हमें सुकून मिलेगा और उन गायों को उनको छाया ठंडी छाया मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आज ये पीपल छोटा सा पीपल लेकिन जब ये बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा जब गायें बैठेंगी तो एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास की बात है कि चारों तरफ गाय हैं और एक पौधे को पाला जा रहा है, इतिहास की बात है, मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ी इतिहास की बात है। ऐसा कभी मेरे आई थिंक दैट पूरे हिंदुस्तान में या किसी में ऐसे हुआ हो कि गायें बीच में हैं और उनके बीच में पौधे पाले जा रहे हैं।
मेरे फादर के बारे में ही बताना चाहता हूँ। जो मेरे पिताजी को इन पौधे लगाने का जुनून हुआ है और ये इस जुनून के लिए बुआनीखेड़ा में भी उनको रिक्वेस्ट की बुआनीखेड़ा में पौधे लगाओ, भी मनाना का मनाना को मनाना में लगाते रहते हो, भी हमारे बुआनीखेड़ा में आओ। तब उन्होंने गायों के भी इन गायों के बीच में जो देखो ये छोटा सा पौधा देखो आप, इस छोटे से पौधे को आज आप देख रहे हो ये बड़ा वृक्ष बनेगा, ये इन गायों को छाया देगा। और इस सब की जो जो गमले मजबूत गमले ताकि नहीं गाय तो एक गमले को धक्का मारा टूट सकता है गमला, तो मजबूत गमले जो बनाए गए वो मेरे पिताजी ने अपने खुद वहन किए अपने खर्चे से। ये सारा खर्च हमारे पिताजी ने, चार बाड़े हैं, चारों बाड़ों के अंदर जितनी गाय पौधे लगाए हुए हैं ताकि उनको छाया मिल सके। और जो इनके हमारे गौशाला के जो कर्मचारी हैं, गौशाला के कर्मचारियों ने इसमें काफ़ी मदद की है, बारी देर सवेरे उन्होंने पानी डाला है, बहुत इनका मतलब बहुत शुक्रिया है गौशाला के कर्मचारियों का जिन्होंने ये पासी खड़े हैं और इन्होंने मदद की। ये बड़े भैया हैं, ये हमारे हांसी रहते हैं, हांसी में मेरे हमारे फादर ने पौधे लगाए हैं, रेवाड़ी पौधे लगाए हैं, फरीदाबाद भाई रहते हैं लेक्चरर, उन्होंने वहाँ भी पौधे लगाए हैं। और एक मेरे भैया जो छोटे थे खोड़ गाँव में, वहाँ जाके भी स्कूल में पौधे लगाए हैं। आपके विचार में उनका कार्य कैसा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्य बहुत बढ़िया है जी, ये सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। मनाना में जो भी सुबह सुबह हाथ में गंडासी बाल्टी ले लेके सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं और सारे पौधों को कहते हैं मेरे बच्चे हैं ये छोटे छोटे, उनको जाके पानी देते हैं, उनकी खुदी करते हैं जाके, और पूरा गांव हरियाली से भरा हुआ बना दिया मनाना गांव। और हांसी में भी पार्क में पौधे लगा रखे हैं, मेरे घर के साथ पार्क है उसमें 2 पौधे लगा रखे हैं, पीपल और बड़का, क्योंकि वहाँ जाना कम होता है और उनकी सेवा फिर हम ही करते हैं। मास्टर देशराज जी मंडाना गांव से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने ज़िंदगी में बच्चों को शिक्षा व सामाजिक कार्य बहुत से किए हैं, जैसे कि उनका सबसे ज़्यादा जितनी लगन हमने मास्टर जी के पेड़ पौधे में लगाने में उनकी जो लगन देखी है शायद ही किसी व्यक्ति में ऐसी लगन होगी। मैं मास्टर जी से जैसे कि हमने कई दफ़ा हम सुनते हैं कि रात को उठकर गौशाला में चले गए, वहाँ पौधों को संभाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ पौधे लगाना हर किसी के आदमी को पता है कि पौधे लगाना ज़िंदगी के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, परंतु पौधों को लगाकर उसको बड़ा करना, उसको फलदार या छायादार बनाना, वो ज़िंदगी का अहम मकसद होना चाहिए। ऐसे हमारे आदर्श श्री मास्टर जी ने बहुत ही पौधे हमारे प्रॉपर भवानीखेड़ा में भी लगाए हैं, मंडाना भी लगाए हैं, जाटू लोहारी भी गांव में लगाए हैं, जैसे भी सरकारी संस्थाएं हैं उधर उधर काफ़ी जगह उन्होंने बहुत से पौधे लगाए हैं जी। इनसे हमें पूरी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं सरकार से, हमारे गवर्नर साहब, पीएम साहब, हमारे जो सीएम साहब हैं श्री मनोहर लाल जी से भी आग्रह करता हूँ कि जैसे जैसे भी हम प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं उसी तरीके से हमारे श्री देशराज जी को भी एक अच्छे सम्मानित पद के साथ उन्हें सम्मानित करना चाहिए, जिससे कि आगे अदर पर्सन में भी इस चीज़ का हौसला बढ़े कि ऐसे नेक काम करने से हमारे ज़िंदगी में ही जितना सुख सुविधा होती है उसी के साथ हमें मान सम्मान भी मिलता है। ऐसा है, मास्टर देशराज जी के बारे में हमने लगभग 35 साल से मैं इनको जानता हूँ और इनकी एक बड़ी ऊँची सोच है, ये पर्यावरण के बारे में वास्तव में जागरूक व्यक्ति हैं कि हर व्यक्ति को जो है ना सांस लेने के लिए पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो इसी एवज में ही ये एक मानवता को जीवित रखने के लिए, वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए इन्होंने पेड़ लगाने का मुहिम चला रखा है। इसके साथ साथ जहाँ भी इन्होंने ऐसा उचित सा स्थान मिलता है वहीं पर ये जो है पौधे को लगा देते हैं और ऐसा पौधा लगाते हैं जिससे हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है। तो ये इनकी बहुत बड़ी ऊंची सोच है। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करना चाहिए। मैं मास्टर देशराज जी को पिछले लगभग 28 साल से जानता हूँ और वो तो देवता है, आदमी नहीं है। उन्होंने आज से लगभग 25-26 साल पहले मेरे विद्यालय में कई सारे पेड़ पौधे लगाए थे जो सारे अब बड़े होकर पूर्ण वृक्ष बन चुके हैं और उन्हीं को देख के हम सभी बहुत प्रेरित होते हैं। हमारे स्टाफ ने और बच्चों ने भी अनेक पेड़ पौधे लगाए हैं
ये उन्हीं से हमें प्रेरणा प्राप्त हुई है और बच्चे जो है ना उन्हीं का अक्सर नाम लेते रहते हैं कि गुरुजी हमें ये सिखा के गए थे, हम अब ये और पौधे लगाएंगे। देशराज जी जैसे व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति को इतना प्रेरित कर सकते हैं, जो बंदा 83 साल की उम्र में इतने उत्साह उमंग में भर के काम कर सकता है तो वो किसी को भी प्रेरित कर सकता है। इन जैसे व्यक्तियों की प्रेरणा से हमने विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय को हरे पौधों से सुसज्जित करने में अपने कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं स्कूल का NSS विंग का प्रभारी भी हूँ और NSS के विद्यार्थियों के साथ हमने बड़े अच्छे प्रयत्न किए हैं जो प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। उन सभी की प्रेरणा से बहुत अच्छा काम हो रहा है इस क्षेत्र में, हरियाली को बढ़ाने के क्षेत्र में। 83 साल की उम्र में जो बंदा इतना लगनशील है वो क्या नहीं कर सकता, मतलब किसको प्रेरित नहीं कर सकता। जो प्रेरित नहीं होगा वो तो पत्थर समान होगा। फिर हम इस समय बवानी खेड़ा के बस स्टैंड पर खड़े हैं और जो इस टाइम हमारे जो पीछे बर्ड दिखाई दे रहा है, ये हमारे पिताजी के द्वारा बर्ड, पीपल और नीम काफ़ी सारे पौधे लगाए थे, जिसमें से ये बर्ड काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इसका पिताजी बोल रहे थे कि भाई बेटा यहाँ जो ना इसका चौतरा बनवाओ ताकि लोग यहाँ बैठ सकें, और जो अब इसका हम चौतरा बनवाएंगे ताकि यहाँ लोगों को बैठने की सुविधा मिल सके। देशराज जी ने जो यहाँ बस स्टैंड पर पहले बहुत पेड़ लगवाए थे, जिनमें से कई बेटे जो है पेड़ बड़े हो चुके हैं और जो यात्रियों के सुख सुविधा में बहुत हो रही है, बैठते बेचारे आराम करते हैं, उनका इसमें बहुत योगदान रहा है। बहुत अच्छा जो है ना इसमें हम बस सराहना करते हैं उसकी, और बहुत सराहनीय काम किया है देशराज जी ने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिताजी ने पौधों की सुरक्षा के लिए ये लोहे के जाल बनवाए हैं, क्योंकि पहले क्या था कि पहले तो खुद जब थोड़े से अब तो 82 साल के हो गए, 83 साल के हो गए, तो अब उनको दिक्कत होती है। पहले तो खुद है ना ईंटे लाके अरे खुद सीमेंट में खुद चिणते थे, फिर खुद चिण लेते थे, बोला ना मैं अपने आप बना लूँगा अभी गाँव बनाना में। तो उन्होंने जो पौधे बचाए जो वो खुद गमले बनाते, यहाँ पर स्टैंड पर भी खुद अपने हाथ से चिण के गए थे जी आज ये बड़ा सारा बड़ हो गया, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए ताकि इसको कोई खराब ना हो। तो अब क्योंकि पिताजी से काम होता नहीं है भाई, ऐसे उनको कमर में दर्द रहने लग गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया उनको, अब कैंसर रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी उनके मन में ये धुन लगी रहती है भाई मैंने तो पौधे लाने हैं, मैंने तो 100 का टारगेट और रख लिया बेटा, मैंने तो 100 उनकी सुरक्षा के लिए मेरे जिम्मेवार लगा देते हैं, कभी बस स्टैंड वालों को कभी मेरी, मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के बिजी रहता हूँ भी ये पौधे किसी तरह मेरे पिताजी के लगाए पौधे बच जाएँ और ये इनको जो आगे जाके इनको सुरक्षा प्रदान जो लोगों को छाया दें। तो ये जो पौधा है ये पिताजी स्पेशल लेके आए भाई, इसको जो ना अभी ये शुगर को ठीक करेगा, फिर ये जाल और पिताजी बोले भी और बनवा देते हैं ताकि इन पौधे, ये जो पूछे पौधा है देखो पीपल है ये भी खराब ना हो जाए, इस पीपल को दोबारा जीवित करना है क्योंकि पहले वाला पीपल खराब हो चुका, तो सोचते हैं उसकी एवरेज में ये पीपल लगाए तो बड़ा बड़ा हो जाए ताकि आने वाले टाइम में यहाँ के यात्रियों को छाया प्रदान कर सके, वातावरण को शुद्ध रख सके और ऑक्सीजन दे सके। पीपल के बारे में तो बहुत शौकीन है, गांव में कोई भी आदमी जा रहा होगा बीड़ी पींदा होगा तो इनको होंगे अरे बीड़ी मत पिए भाई, पीपल का पेड़ लाना पड़ेगा तने, ये गांव में बात मशहूर भी है इस बात के लिए जी।